بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آداء مجمعين إلى قيام يوم الدين موضوع گفتگو رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بعد جو انحرافات أهل بيت علیهم الصلاة والسلام سے بغض اور دوری کی وجہ سے, ان میں سے ایک انحراف تھا جنسی گناہ بنو میہ اور بنو عباس کے دور میں شراب زنا اور تیسرا اہم گناہ تھا और इस मौजू को जो डिस्कस किया जा रहा है उसमें बाज़ हमारे नादान और जहला या दुश्मनों का ज़्यादा दर्द रखने वाले और दुश्मनाने अहले बैत से बेनस्बत अहल बैत ज़्यादा मोहब्बत करने वालों को एतराज़ हो रहा है कि अहल सुन्नत के मुक़दसा की उसमें तोहन हुई जबकि इन तमाम क्लिप्स में के जो चार पाँच आ चुके हैं उनमें कहीं भी कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं था जो अहले सुन्नत का मुकद्दस हो अब मिसाल के तौर पर आज कल एक शख्स के जिसकी शराब की वीडियो भी आई या जिन मौसु की जिनसी गुनाह की वीडियो आई हम न तमाम अहले सुन्नत को बुरा कह रहे हैं इस मामले में वन हमारे भाई हैं हमारी जान हैं और तमाम अदियान व मज़ाहब का एहतराम है और न तमाम उनके को लेकिन फ़र्ज़ करें कि यही शराबी मौलवी की जिसकी वीडियो आई या यही शख्स के जिसकी वीडियो आई 200 साल के बाद इसका मज़ार भी बना देते और ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी हो जाते तो आपके लिए मुकदस हो जाते लेकिन अब अगर पब्लिक को पता चल गया और ख़ुद अहल सुन्नत ने बताया तो अहल सुन्नत के मुकदसा की उन्होंने तोहिन नहीं की बल्कि हाइनों के चेहरे से नकाब हटाया लिहाज़ा एक बहुत बड़ा जुल्म जो हमारे ने अहिल सुन्नत पर दरबारी मुलाओं ने किया वो ये जुल्म है कि हर फासिक और फाजर और ज़ानी और शराबी और ालम बादशाह को कोलम्र बना दिया खलीफत और रसूल बना दिया अमीराम बना दिया जिल इलाही बना दिया उनकी इतात को वाजिब करार दे दिया हत्या अगर कोई दहशत गर्दी और कतलेआम के ज़रिए से पावर में आए तो वहाँ एक दे दिया इमामुल इमामब कि एक दफ़ा इस मौजू को हम डिस्कस कर चुके हैं और दोबारा तफसील से इसको नए हवालों के साथ डिस्कस करेंगे कि अहले सुन्नत पर दरबारी मुल्लाओं ने इन ि हाकमों को मुसल्लत करके कितना बड़ा जुल्म किया लिहाजा हमने कहीं भी मुकद्दसात अहले सुन्नत को डिस्कस नहीं किया हाँ अबत कहा जा सकता है कि पिंडी के मुफ्ती इस्माइल तुरू साहब ने यह जुमला कहा कि हजूर सलील वसलम के ज़माने में भी पाक और महफूज अनिल ख़ता लोगों से भी ये काम सरजद हुआ यानी उन्होंने नस्बत दी असाब की जानब लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने तमाम असाब को महफूज अनिल ख़ता यानी मासूम बना दिया उनसे पूछा जाए हमने उस मौजू को तो अभी डिस्कस ही नहीं किया के ज़माने में पाक जमाने में क्या ऐसे वाक़ात बात महफूजअ लोगों से नहीं हुए और वो भी उनका फ़ैसला है उनका नज़रिया है वो मुफ्ती हैं मुफ्तियों के बारे में खुद अहल सुन्नत खुल के कहते हैं कि अगर उन्होंने सही कहा तो दो सवाब मिलेंगे और गलत कहा तो एक सवाब मिलेगा तो उनको ये वाली बात करके अपना नज़रिया बयान करके एक स्वाब तो मिल ही चुका है हम तो बात कर रहे हैं बनु अमैया बनु अब्बास की और फास और फाजिर और जालिम बादशाहों की कि जिन्हें इन दरबारी ने अहले सुन्नत पर मुसलत किया और हमारे इन मासूम अहले सुन्नत भाइयों को कि जो कतन हमारी जान हैं उनके क़दम हमारे सराखों पर मुसलमान हैं उनकी जान माले आबरू का एहतराम है इनमें से किसी को भी तंग करना चाहे हती अजियत देने के लिए जो इस मुफ्ती ने काम किया उसकी नस्बत से भी तंग करना जायज़ नहीं है कतान हमारे भाई लेकिन जिन लोगों को मुसलत किया गया तारीख़ में और इस वजह से मुसलत किया गया क्योंकि वो बहुत से अहल बैत रखते थे अहल बैत जेलों में अहल बैत पर मसाइब ढाए जा रहे हैं और फासे खो फाजे रोज़ानी और, और शराबी और लवात करने वालों को जो है रसूल कहा जा रहा है तो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं बन मैया बन अब्बास के बारे में बनवा अब्बास ही के ज़माने में एक ख़ानदान था जिसने हुकूमत की शाम के कुछ इलाकों से लेकर मिस्र तक उस ख़ानदान का नाम था तो और बाज दफ़ा हिस्टोरिकल ड्रामों वग़ैरह में अमीर तोलून के नाम से क्योंकि आमतौर पर जालिम बादशाहों को अहले सुन्नत के दरबारी मुल्ला बहुत ज़्यादा मुक़दस बना देते हैं जैसे कि औरंगज़ेब को बना दिया या महमूद गज़नवी को बना दिया गो के महमूद गजनवी के बारे में भी अयास के साथ बहुत सारी दास्तानें हैं कि जिनको हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे और इसी मौजू को महमूद और अयास के साथ भी नस्बत दी गई तो इस ख़ानदान का जो दूसरा बादशाह था कि जो पैदा हुआ 250 को और मरा दो सौ हिजरी में और इन लोगों की हुकूमत रही 868 से लेके 905 मिलादी तक और जब भी इनका जिक्र आता है तो एक मस्जिद नज़र आती है कि जिसे मिस्र में कहा जाता है मस्जिद तोलून और ये लोग तमाम फजूर और जुल्म के बाद इन मौलवियों के कहने पर और अपने आप को वली उल्ला बनाने के लिए इस किस्म की मस्जिदें बना देते थे जिससे लोग धोखा खाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल करप्ट किस्म के हाकिम सारे करप्शन के बाद कोई एक काम कर देते हैं कि जिसके बाद उनको लोग दीनदार समझने लगते हैं जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं इसका नाम है हमारवे या उसका नाम है अहमद बिन तुलून यानी हमारवे भी उसको कहते थे और अहमद बिन तुलून उसका नाम है बाप के बाद ये बादशाह बना और ये सारे फिसको फजूर में तो था उन्हीं में से एक काम जो इसका मशहूर था वो था लिवा इसने लिहाजा हमाम में एक दफ़ा अपने एक गुलाम के साथ ये काम करना चाहा और तारीख़ में उसके ग़ुलाों की कसरत भी बयान हुई है ख़ुद भी ये तुर्क था और इसके पास बहुत ज़्यादा तुर्क ग़ुलाम थे जैसा कि हम पहले बयान कर चुके तो उस ग़लम ने मना किया तो इसने गुस्से में आकर उसको पिटवाया भी और फिर हुक्म दिया कि एक डंडा उसकी शर्मगा में दाखिल कर दिया जाए कि जिसके बाद वो तड़प तड़प के मर गया अब ये डंडा किस चीज़ का था तो जो अरबी में जुमला लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है किरनीब अब किरनीब क्या चीज़ है तो ये एक बड़ा चमचा या बल्फाज दीगर एक बड़ा पानी निकालने का मग्गा के जिसके एक सिरे पर बेलचे की तरह से या बालफाज दीगर लकड़ी का एक बड़ा हैंडल लगा होता है और सबका ज़माने में हमाम से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था तो फ़र्श करें एक बड़ा कढ़ाव या एक बड़ी सी देख है जिसमें पानी गर्म हो रहा है और उसमें से जो है वो पानी निकालना है क्योंकि वहाँ से गर्म होता था वो पानी फिर हौज़ में डाला जाता था तो बिल्कुल ऐसा जैसे दूध निकालने के लिए जो एक पैमाना इस्तेमाल होता है कि जिसमें आमतौर पर जग की तरह से हैंडल होता है लेकिन जब वो गर्म पानी दूर से निकाला जा रहा हो तो फिर एक उसके आगे हैंडल लगा दिया जाता है तो उस चीज़ को कहा जाता है किरनीब तो इसने हुक्म दिया कि किरनीब का दस्ता उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया जाए वो तड़प तड़प के मर गया अब उसके इस अमल की वजह से और लोगों को भी गुस्सा था और बाद में उसी के ग़ुलामों ने उसको कत्ल भी कर दिया और बाद जगह का बयान हुआ कि उसने उन लोगों ने बाज़मा से पूछा अब जाहिर है कि किमाय दरबार से तो नहीं पूछा होगा बाज़ और से पूछा होगा तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स की सज़ा जो है कत्ल है और ये भी वाजें करते चलें कि जिन जिनम ने इसको ये जवाब दिया इन लोगों को जवाब दिया गुलामों को कि ऐसे शख्स की सज़ा कत्ल है वो हनफी मकतः फ़िक्र के नहीं होंगे क्योंकि शेख अबू हनीफ़ा हद के कायल नहीं हैं वो तहज़ीर के कायल हैं अब आपके सामने किताब है तारीख़ मदीना तो दमिश जल्द नंबर सत्रह और सफ़ा नंबर है पैंतालीस मन इसम हो खुमार अब उसके बाद ज़िक्र आता है खुमार या खमार अबन अहमद बिन तुलून अलमाफ बे खुमार वे अबुल जैश अमीर अबन अमीर ओहो अमीर अबन अमीर अब इसको कहा जाता होगा अमीर उम्मीन खलीफतलमसलमीन इलाही क्योंकि दरबारी मुलाओं का उस जमाने में यही काम था कि अहिल बैत के ख़िलाफ़ भड़काएँ जैसे कि आज भड़का रहे हैं कि जहाँ हुसैन का जिक्र हो पथराव कर दो बिल्कुल इसी तरह से उस जमाने में अहल बैत के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते थे और इंसानियों और शराबियों और लवाद करने वालों को अमीर अबिन अमीर कहते थे इसकी हुकूमत रही मिश्र, मिस्र पर और शाम के कुछ इलाकों में अब इनकी खसूसियत क्या है तो आप देखें काना जवादन मुमद्दहन ये सखी भी था और बड़ा काबिल तारीफ़ था और बाद में आ गया कि बारह साल इसने हुकूमत की बारह साल और अट्ठारह दिन अब अगले ही दो सफ़े के बाद पेज नंबर 48 एट आपके सामने है तो यहाँ पर ये वाक़ लिखा गया काना अबुल अबोलजैश कसैरलिबात बिलहद में जब बही कि अबुल अबोजैश यही साहब कसिरलबात कसरत से लिबात करने वाले थे अपने खादमों के साथ जिससे भी चाहते थे जिससे भी उनको इश्क हो जाता था मुशतरे अल्लाह अज्वजिजाल का और अल्लाह के मुकाबले में इस काम में बहुत ही बेखफ था बलगा मिन अम्र ही फिलिबात बिहम और इन लोगों से लिबात के बारे में जो एक वाक़ पेश आया वो क्या है अन्नहु अनः दखला माखदमिन लहमाम कि ये अपने ख़िमों के साथ हमाम में दाखिल हुआ फ आरद मिन वाहिदिन मिनहुल्फ़ाश इन में से एक से उसने चाहा कि ये बदफेली फेली करे फ़ातना अलदमो वसिया खादिम ने मना किया शर्म की वजह से क्यों मिनल हदल लजीना फिल हमाम क्योंकि दूसरे भी खादिम हमाम में मौजूद थे वरना वो करवा लेता क्योंकि अमीरुल अमीरमिन का हुक्म है वा अबुलजैश एद खुला फ़ी दुबरे ही यदा करनीब तो अबुल अबुलजैश ने हुकम दिया कि इसकी शर्मगाह में यानी इसके पीछे के मकाम में यद यानी हैंडल या डंडा करनीब का दाखिल करनीब का दाखिल कर दिया जाए और यह किरनीब का डंडा कैसा था यदा करनीब गलीज मदब्बर फफा अला वाल का बही यह डंडा एक सख्त था और गोल था कि बाद में खादिमों ने यही किया उसके हुक्म से फमा वाल ख़ादम यस्तरबो व यसी उफिल्माम हता माता यहाँ तक के वो तड़पता रहा चीखता रहा और हमाम में मर गया लेकिन मुमकिन है कि उस जमाने के मौलवियों ने कह दिया हो कि अमीराम ने जब तुमसे ये काम करना चाहा था तो तुमने क्यों मना किया और तुम इसकी शहादत इसके मस्तक हो और तुम अब जहन्नम में जाओगे क्योंकि तुमने अमीरम्न की ज़िल् लाही की बात को नहीं माना अब आपके सामने तारीख है तारीख़ास्लाम और जल्द नंबर है सात और वहाँ पर भी यही वाला वाक़ है लेकिन थोड़े से रद्दबदल के साथ काना अबोजैश कसीरलवा मुशतर अल्लाही बलगा मिन अमर ही अन हूँ दखलाम फ़ औरदा वाहिदिन अलफ़ाशा उनमें से एक से उसने ये गुना करना चाहा फ़ अमर यदलाफ़ी दुबर ही यदा करनीब के करनीब का डंडा जो है उसकी शर्म गांे इन साहब ने दाखिल

जवादन मम्मन और फिर उसके बाद वही पूरा वाक़ है कि उसने हमाम में जाके ये सब कुछ करना चाहा और जब वो नहीं माना तो फिर उसने हुक्म दिया जब खादिम नहीं माना तो हुक्म दिया कि इसकी शर्मगा में करनीब के डंडे को दाखिल कर दिया जाए अब आपके सामने किताब है तारीख़ास्लाम जल नंबर सात और यहाँ पर यही वाला मौजू आया है पेज नंबर टू टू, टू थ्री में और ये वाला मौजू आया है इस शख्स की मौत के बारे में कि दो सौ बत्तीस में क्या क्या वाकयात हुए तो उनमें से एक है वफीहा इसी साल हुआ वाक़ क्या हुआ जोब हमार व बिन अहमद अला फराशही बे दमिश के ये जिबा हो गया अपने बिस्तर पर दमिश्क में और क्यों हो गया क्योंकि ये अपने गुलामों के साथ फहाशी करता था वरावदा रावद ममलोकन एक अपने ममलूक के साथ जरस खरीद के साथ अब इन शाह अग्नि अच्छे से बताएंगे कि किन किन लोगों ने कि जिनको आज इमाम कहा जाता है ये फतवा भी दिया कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि लवात में कोई हर्ज नहीं है और कुछ ने हथ को ख़त्म किया और कुछ ने कहा कि अगर ख़रीद के साथ हो तो कोई हर्ज नहीं तो यहाँ से पता चलेगा कि अहले बैत के मुकाबले में जो अफराद आए थे किस तरह से बादशाहों को रिलीफ़ देने के लिए आहस्ा हराम इलाही को हलाल कर रहे थे और हलाल इलाही को हराम कर रहे थे फाइम तना अल हया अन मिनल़म फ़ामय खुलाफी दोबोर ही मिसल ज़कर अब यहाँ पर यह है कि जब हमाम में इस काम से रोका हादिम ने हया करते हुए वो भी दूसरे लोगों से यानि मुमकिन ख़ादम कह रहा हो कि बाद में कर लीजिएगा या अमीमिन इतने लोगों के साथ आप क्यों कर रहे हैं तो इसी बात पे नाराज़ हो गए वही उसने कौन सा मारा होगा तो उसने हुक्म दिया कि इसकी शर्मगा में दाखिल कर दिया जाए क्या दाखिल कर दिया जाए मिसल ज़कर ज़क्र कहते हैं मर्द के आला तनासु को उस जैसी चीज़ दाखिल कर दी जाए और वो भी किस चीज़ की अ यूद खिलाफी दोबारे ही मसला ज़कर ख़ैशुन एक लकड़ी को दाखिल कर दिया जाए वलम यज़ल युसी माता तफिल हमाम फिर वह तड़प तड़प तड़ के जो है वहीं पर मर गया और फिर खादमों को गुस्सा आया और उन्होंने भी इस शख्स से इंतकाम ले लिया अब आपके सामने एक मौजू है और उसका ताल्लुक़ है मौलाना रूम से लेकिन हाँ वो इस काम में नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी मसनवी में इसका ज़िक्र किया और एक बहुत बड़े तबके की जानब तवज्जो दिलाई कि जो इन कामों में उस ज़माने में मसरूफ़ था तो मसनवी मानवी के जिनके लिखने वाले हैं मौलाना जलालुद्दीन बल्खी रूमी और आम तौर पे इनको मौलाना या मौलवी या रूमी कह दिया जाता है और मसनवी मशहूर है और इनकी विलादत हुई 604 में और वफात हुई छः सौ बहत्तर में और ईसवी के हिसाब से बारह सौ सात में विलादत हुई और बारह सौ तिहत्तर में यानी ट्वेल्व सेवेंटी थ्री में इनकी वफात हुई आठ सौ साल पहले ये इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं उस ज़माने के सूफियों के बारे में आपके सामने है मसनवी और उसका उर्दू तर्जुमा है मौलाना काजी सज्जाद हुसैन साहब और हामिद एन कम्पनी ने इसका तर्जुमा इसको छपाया है और पेज नंबर है 48 एट दफ्तर पंजुम है और यहाँ पर ये फरमाते हैं पहले आपके सामने फ़ारसी का तर्जुमा कर दूँ फिर उसकी एक तशरी कर दूँ और बाद में इनका तर्जुमा भी पढ़ दिया जाएगा ताकि क्लियर हो जाए फ़ारसी में फ़रमाते सूफ़ी गश्ते बेपीश इन आम यानि तसवुफ़ और सूफ़ी होना इन पस्त और नीच लोगों के नज़दीक हो गया है क्या हो गया है अलयात तो वलवातो व सलाम कि इन लोगों के नज़दीक सूफ़ी होना ये हो गया है कि कपड़े पहने तो यहाँ पर कहा अलतो यानि सिलाई तो सिलाई से इनकी मुराद है के सूफियों वाले लिबास कुछ की आस्तीनें छोटी होती थी कुछ की बड़ी होती थी कुछ ऐसे कपड़े पहनते थे कि जिनमें अगर नाचा जाए तो बहुत ज़्यादा फॉल आएँ उसके बाद वह हवा में लहराएँ कुछ का अलग ड्रेस था कुछ का अलग ड्रेस था कुछ के अलग रंग थे कुछ के अलग रंग थे तो इन कामों को उन्होंने इस तरह से बयान फरमाया क्योंकि ये अफ़ग़ानिस्तान में भी थे और आखिर उम्र में क्योंकि ये तुर्की में थे तो वहाँ पर यह तसव्वुफ़ बहुत ज़्यादा था इस कस्म का तसव्वुफ़ तो आपने क्या फरमाया कि सूफियत इन पस्त लोगों के नज़दीक हो गई है एक चीज़ तो क्या सिलाई यानी नए नए ड्रेस नए नए कलर के ड्रेस और नए नए स्टाइल के ड्रेस यानी सिलाई अब ये सिलाई भी वो लोग खुद ही करते थे तो एक तो इनका काम हो गया था सिलाई करना दूसरा काम क्या था वल लवा तो और दूसरा काम था यही लवात और क्या वाम यानी बस यही अब इसका तर्जुमा जो उर्दू में है इन कमीनों के लिए सूफ़ी होना बन गया है सीना यानी सिलाई और अग्लाम यानी बाज़ी व सलाम बस ये दो चीज़ें तो यहाँ से पता चला कि साढ़े सात सौ से आठ सौ साल पहले जब मौलाना रूम मसनवी लिख रहे हैं तो ये वाली चीज़ क्योंकि बन उमैया बनो अब्बास ने इसको नॉर्मलाइज़ किया बाद में मुफ्तियों ने भी उनको सपोर्ट किया कुछ ने सज़ाओं को उनके माफ़ किया रिलीफ़ दिया कि आप करें जी हम आपकी कम से कम सज़ा को कम कर देते हैं आपको मरने नहीं देंगे आपको ताज़ीर कर देंगे ताज़ीर कान मरोड़ के भी कर सकते हैं और आपको डांट कर भी कर सकते हैं और घूर के देख के भी कर सकते हैं फिर आप अपने दोबारा कर लीजिएगा तो यहाँ से पता चला कि तसवफ़ वालों के नज़दीक भी क्योंकि बिल आखिर वो लोग उसी मकतब से और उलमा की छतरी में थे तो वहां पर भी यह चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई थी फिर तवज्जो दिलाएं कि अहल बैत से दूरी या अलफाज दीगर बोख़ रसूल अल्लाह और बोज़ आल रसूल अल्लाह का नतीजा यह है कि हज़ार किस्म के इनराफ़ा फैले अब ये बताते चलें कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके दिलों में बोज़ अहल बैत है तो ये ना समझें कि इनके दिलों में सिर्फ़ बखज़ अहल बैत है असल में इनके दिलों में बहुज़ अहलबैत है इस वजह से क्योंकि इनके दिलों में बहुज़ रसूल अल्लाह भी है और फिर ये तवील मौजू है कि इन्हीं दरबारी मुलाओं के और इन्हीं बादशाहों के अंडर में जो किताबें लिखी गईं उसमें कसरत से रसूल अल्ला वसल्लम की शान में जसारत है दुआ है कि खुदावन तबारक व तमाम अदयान के मानने वालों को इलमी तरीक़े से और अखलाक के दायरे में रहते हुए डायलॉग की तोफ़ी अतः फरमाएँ और तमाम मुसलमानों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्ला वसलम और आल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्ह वसलम से मोहब्बत की और मबदत की तोफ़ी अतः फरमाएँ